अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड चाट मसाले की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है, सब इसे इजीली घर पर बना सकते हैं, क्योंकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में ये बहुत सी चीज़ों के साथ यूज़ होता है, तो इसलिए हम इसे पहले ही बनाकर स्टोर कर लेंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चाट मसाला बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, चाट मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया साबुत धनिया 4 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, साबुत लाल मिर्चें लिए हमने गोल वाली 10 से 12 अदद, अजवाइन 1 टीस्पून, सौंफ हमने लिया 1 टेबल स्पून, मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर का पाउडर हमने लिया 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून, ब्लैक सॉल्ट 1 टेबल स्पून, टाटरी 1 टेबल स्पून और अदरक पाउडर 1 टीस्पून। अब हम एक पैन ले लेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम पर रखना है और इसमें ऐड करेंगे साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्चें, सौंफ ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड कर लेंगे, अजवाइन ऐड करेंगे और इन सब मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। जितने भी साबुत मसाले थे वो हमने इसमें ऐड किए और इन्हें हम रोस्ट करेंगे। बाकी जो पाउडर फॉर्म में थे वो हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें रोस्ट करेंगे और चम्मच हम इसमें हिलाते रहेंगे। हम इन्हें तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से मसालों की खुशबू नहीं आने लग जाती। तो मसालों की खुशबू आने लग गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे उतार लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये रोस्ट किए हुए मसाले सारे ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडर जार लिया है, इसमें ये सारे मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसे अब हम बंद करके इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये सारे मसाले भी पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो रोस्ट किए हुए मसालों को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो इसमें टाटरी ऐड करेंगे, इसके दाने भी बने हैं तो इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये भी पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो पाउडर बनाने के बाद इसे भी ऐड कर लेंगे। तो अब इसमें जो पाउडर मसाले थे वो ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, अदरक पाउडर, मैंगो पाउडर ऐड करेंगे और अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, तैयार है हमारा होममेड चाट मसाला। अब हम इसे स्टोर करने के लिए एक बोतल ले लेंगे और इसमें ये सारा मसाला डाल लेंगे। इसे बंद कर लेंगे और इसके ऊपर टैग लगा लेंगे चाट मसाले का, ताकि हमें इजीली पता चल जाए कि इस बोतल में चाट मसाला है। तो अगर आपको ये चाट मसाले की रेसिपी पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं रमज़ान के लिए किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।